अधिकारी मौके पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे आला अधिकारी मौजूद हैं। डीसीपी मैम जी यहाँ मौजूद है मौके पे, और सभी पुलिस आला अधिकारी यहाँ रामगंज चौपड़ पर भी मौजूद हैं। स्थिति को बिल्कुल अच्छी तरीके से संभाल लिया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। सुकुमार राय जी यहाँ मौजूद है, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी और जेब्रा कौन से भाई मौजूद है। पूरी स्थिति को इस तरीके से पुलिस द्वारा संभाला गया है, माहौल शांतिपूर्ण है। आप देख सकते हैं माहौल शांतिपूर्ण है, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। अरे मेन तो ये मैटर है यार, इधर की मौत बाद में चले जाएंगे।
बचड़ो दे चला है यार, चला भी पूरा गाड़ी माइक वो दिया गया वो छोटा ना कनेक्टर मैंने नहीं मेरे को नहीं दिया आज बाहर आओ सेवा में सेवा नहीं आराम से पूरी बात बताओ अरे कागज तो सही लगा शहर चलता रहता है कुछ दिनों में उन लोगों को पता नहीं क्या होता है कि शांति से रहना ही नहीं चाहते।
जयपुर शहर की जो गंगा जमुना तहजीब के लिए हम जाने जाते हैं उसको बिगाड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। अब ये लोग यहाँ जयपुर के हैं या बाहर से आके यहाँ करते हैं तो जांच का विषय है, लेकिन मेरा बस आपसे इतना ही कहना है जयपुर शहर के सभी वासी शांति बनाए रखें और जो भी जिन्होंने आज देखा जाए छोटी सी बात की कोई बात को लेकर जो इन्होंने पत्थरबाजी की किसी को भी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है और कोई भी इस तरीके का व्यक्ति करता पाया जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आपकी जो गंद फेंकनी है ना वहाँ पे जो रास्ता है एक दफ़ा तो मुआया जाना और एक दफ़ा इनका वहाँ करना स्कूल ना मुआया और अभी डॉक्टर टीम और मेडिकल में गया मेडिकल सिर्फ दवाई दी इनकी और जांच वाँच भी बोलने सुबह होगी इनकी। अब इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उनके सांस भी बोला भी नहीं आ रहा है, सांस भी नहीं आ रहा है बिल्कुल, हार्ट पेशेंट अलग है। आप लवाई हैं फोन करके हमने बताया भाई, उन्होंने फोन करके हम जब आए मैं तो घर पे खाना खा रहा था। अब पुलिस आ भी यहाँ पे तो जब जांच हुआ उनको लाया जा रहा है जिन्होंने मारा है, ये क्यों होता है ऐसा? आपका नाम बता दीजिए जी, तरीके से आपका नाम बता दीजिए। दो बार मारा है, पहले भी मारा दोबारा, हां पहले कम मारा टप्पा दो बार मारा आपके कान पे गले पे घटना करा हुआ था मैं फूस कर तो किलो पुलिस की हां ले लो आगे बढ़ा की मोरी की तरफ आगे हलवाई की दुकान पे वो बाइक वाला था मैं और वो उससे फिर माता मेरी गरीब उतार तो उसने गाड़ी करके मुझे बहुत बुरा मारा, मेरा खून तक निकाल दिया और मेरे बुद्धी वाली गर्दन पर बहुत कसकस के मुझे बहुत बुरा मारा था। मुझे बाकी लोगों ने भी मुझे बचाया नहीं, वहाँ पर काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हुई थी जैसे दो तीन मुसलमान लड़के थे उन्होंने मुझे साइड में करके और इधर करा और फिर मैं थाने पर आया रिपोर्ट भी देने के साथ मुझे ऐसे ऐसा मारा फिर लोगों ने मुझे पर्चा दे दी सर लिखने का मुझे आता नहीं था लिखने। देखिए कोई दो गाड़ियों के बीच में भिड़ंत लेकर एक ही रिक्शा और एक मोटरसाइकिल जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में हल्की फुल्की मारपीट हुई और उसी बात को फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर भीड़ जमा हो गई रामगंज थाने के आगे और दोनों ही पक्षों से हमें FIR मिली है। नहीं देखिए अगर इस तरह की कोई भ्रमक बातें फैला रहा है, गलत बातें फैला रहा है कि आगजनी हुई है ऐसा हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दो लोगों के बीच में मारपीट हुई थी जिसको अगर कुछ लोगों द्वारा सामुदायिक दो समुदाय के बीच में मारपीट बताकर गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है तो इस पर अगर हमें इस तरह का कोई भी प्रूफ मिलता है कि किसी व्यक्ति ने इस तरह का बातें फैलाई हैं तो उसके खिलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे।